ड्रामा सीरियल फितूर एपिसोड 9 प्रोमो में दिखाया जाता है। दिलनशीन की शादी अब हैदर से होने जा रही है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। लेकिन सबको तो इंतजार था कि दिलनशीन की शादी हमजा से हो, जो कि हो नहीं सक रही। हैदर की और दिलनशीन की मायों हैं। दिलनशीन बहुत प्यारी लग रही होती है, उसको लेकर आया जाता है और स्टेज पर हैदर के साथ बिठाते हैं। सब रस्में हो रही हैं, लेकिन दिलनशीन खुश नहीं है। उसके दिल में आज भी हमजा ही मौजूद है, क्योंकि वो हमजा से बेइंतहा मोहब्बत करती है। इतना सब होने के बाद भी वो यही चाहती थी कि उसकी शादी हमजा से हो जाए, लेकिन वो अपने घर वालों के हाथों, हमजा के घर वालों के हाथों मजबूर थी। उसको ज़बरदस्ती इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। लेकिन पता नहीं कैसे फिर आखिरकार हमजा के घर वालों को एहसास हो ही जाता है। वो यही सोचते हैं कि वो दिलनशीन के घर पर उसका रिश्ता लेने जाएंगे, लेकिन दिलनशीन की तो शादी हो रही है। हमजा की माँ कहती है कि आज उस लड़की का मायूं है, वो अपने हाथों पर किसी और के नाम की मेहंदी लगा चुकी है, और आप उसका रिश्ता मांगने जाएंगे। जिस पर उसका बाप कहता है कि मैं नहीं जानता, कुछ भी हो, लेकिन मैं आज रिश्ता लेकर ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब कुछ कहने के बाद वो पहुंच जाते हैं दिलनशीन के घर पर, और आकर क्या देखते हैं कि सब कुछ सजा धजा हुआ है। दिलनशीन भी दुल्हन बनी बैठी है। वो आते हैं और दिलनशीन के भाई के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। जिस पर दिलनशीन का भाई कहता है कि आपने समझ क्या रखा है सादिक साहब, जब दिल चाहेगा मुझे थाने बुला लेंगे, जब दिल चाहेगा आप मेरी बहन का रिश्ता मांग लेंगे, जब दिल चाहेगा आप मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग लेंगे। ये सब कुछ अब दिलनशीन भी देख रही है। वो अपने घर वालों से यही कहती है कि मुझे हमजा से ही शादी करनी है। लेकिन दिलनशीन की माँ, जो कि अब सख्त दिल हो चुकी है, उसके दिल में हमजा के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। वो यही चाहती है कि दिलनशीन की शादी हैदर से हो जाए। वो अपनी बेटी दिलनशीन के पास आती है और कहती है कि मांगने पर माफ़ी तो मिल सकती है, लेकिन बेटी नहीं दे सकते हम। मैं अपना थूका हुआ हरगिज़ नहीं चाटूंगी, एक दफ़ा मना कर दिया ना तो बात ख़त्म। जिसके बाद दिखाया जाता है दिलनशीन दुल्हन बनी शीशे के सामने बैठी है, और पीछे से क्या देखती है कि हमजा आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ उसका ख्याल है, क्योंकि हमजा नहीं आ रहा। अब हमजा की जगह हैदर आएगा और हैदर ही उसको ब्याह कर लेकर जाएगा। रिवर्स आप के ख्याल में क्या दिलनशीन के घर वालों को हमजा से उसकी शादी कर देनी चाहिए थी? क्या दिलनशीन का मान रख लेते वो, क्योंकि वो हमजा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और हमजा के घर वाले भी सुधर चुके थे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।